अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने के लिए हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाया, जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शासक मीर कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर मुगल आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन ब्राह्मणों ने कोई क्रांति या कोई आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति कर दी? आइए इस वीडियो में क्रांति और आंदोलन की वजह को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का कानून बनाया। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी। 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई, वरना लड़कियों को पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर, मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसमें दूध भरकर डुबोकर मार दिया जाता था। 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने की सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। 1813 में अंग्रेजों ने दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिए जाते थे। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शुद्ध स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई गई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 1830 नरबलि प्रथा पर रोक लगाई गई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देते थे। 1833 अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक, अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म, स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है नियम लागू किया गया। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाए। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया। 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत कर दिया गया। देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी गई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान दे देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम दे दिया करते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,00,000 थी, जिसमें 2,00,000 देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। हालांकि यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED बेटर ने स्थापना किया। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पैनल कोड बनाया।
लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दी। इस पूजा में आलिशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़ पकड़ कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याएं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 1918 में साउथ अवरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधि मंडल में भागीदारी के लिए आया था। शाहजी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को विधि मंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम यानी ज्ञापन दिया। अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। अंग्रेजों के रहते 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियां करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक एक औरत के अनगिनत सौतने हुआ करती थी। औरतें शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको ब्राह्मण मनु ने धर्म का नाम दिया है। फिर 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया गया। 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति का सर्वे करके और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार दिए। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्य साधन काउंसिल में लेम्बर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% प्रतिनिधित्व दिलवाया। 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्हीं सब वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया। जानकारी ही हथियार है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।